जीवन के एक तरीके के रूप में योग यदि शरीर के ऊपर है, खून के ऊपर पानी है, सत आग आत्मा पर हावी है, वायु श्वास के ऊपर है। परिचय। इस निर्देशित ध्यान सत्र में आपका स्वागत है। एक आरामदायक और शांत जगह ढूंढें, जहां आपको कोई परेशानी न हो। आराम की स्थिति में बैठें या लेटें और चलिए शुरू करते हैं। ग्राउंडिंग ब्रीथ। कुछ गहरी सांसें लेकर शुरुआत करें। अपनी नाक से गहरी सांस लें। महसूस करें कि आपके फेफड़े फैल रहे हैं और किसी भी तनाव को दूर करते हुए अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। बॉडी स्कैन। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। तनाव या असुविधा के किसी भी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपने सिर के ऊपर से पैर की उंगलियों तक स्कैन करना शुरू करें। प्रत्येक सांस के साथ उन क्षेत्रों को आराम करने और मुक्त होने दें। केंद्रित श्वास। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। चार तक गिनने तक सांस लें, चार तक गिनने तक रोकें और चार तक गिनने तक सांस छोड़ें। इस लयबद्ध श्वास को दोहराएं, जिससे प्रत्येक श्वास शांति और शांति की भावना लाए। विजुअलाइजिंग लाइट। अपने अस्तित्व के केंद्र में एक गर्म सुखदायक प्रकाश की कल्पना करें। प्रत्येक सांस के साथ इस प्रकाश को फैलने दें, जिससे आपका पूरा शरीर शांति से भर जाए। अपने भीतर से निकलने वाली गर्मी और शांति को महसूस करें। दिमागी जागरूकता। अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाएं। अपनी सांसों की अनुभूति, अपने आसपास की आवाजों और आराम करते समय अपने शरीर की अनुभूति पर ध्यान दें। यदि विचार उठते हैं तो बिना निर्णय किए उन्हें स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर केंद्रित करें। पुष्टि। अवधि। सकारात्मक प्रतिज्ञान को चुपचाप या जोर से दोहराएं। मैं शांति में हूँ, मैं प्यार से भरा हूँ, या मैं जमीन से जुड़ा हूँ और केंद्रित हूँ, जैसी पुष्टि सकारात्मक मानसिकता को मजबूत कर सकती है। कृतज्ञता अभ्यास। आज जिस चीज के लिए आप आभारी हैं, उस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। यह कोई व्यक्ति, अनुभव या कोई साधारण क्षण हो सकता है। कृतज्ञता की भावना को अपने हृदय में भरने दें। दृश्य कल्पना ध्यान। अपने मन में एक शांत और शांत जगह की कल्पना करें। यह समुद्र तट, जंगल या कोई भी जगह हो सकती है जो शांति का एहसास कराती है। दृश्यों, ध्वनियों और गंध की कल्पना करते हुए इस स्थान के विवरण का अन्वेषण करें। अपने आप को इस शांत मानसिक परिदृश्य में पूरी तरह से डूब जाने दें। चक्र संतुलन। अपना ध्यान अपने शरीर के सात ऊर्जा केंद्रों पर लाएं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से शुरू करते हुए प्रत्येक चक्र को ऊर्जा के एक जीवंत घूमते हुए पहिए के रूप में कल्पना करें। हर एक को अपने अनूठे रंग से चमकते हुए चित्रित करें, जो आपके पूरे अस्तित्व में संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देता है। इरादा सेटिंग। अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों पर विचार करें।
अपनी गहरी इच्छाओं के अनुरूप अपने लिए एक सकारात्मक इरादा निर्धारित करें। अपने आप को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें और अपनी सफलता से जुड़ी भावनाओं को मूर्त रूप दें। माइंडफुल मूवमेंट। अपने ध्यान में कोमल गतिविधियों को शामिल करें। जब आप अपनी भुजाएं ऊपर उठाएं तो सांस लें, जब आप उन्हें नीचे लाएं तो सांस छोड़ें। सांस को गति से जोड़ते हुए अपने शरीर को सहजता से चलने दें। यह सचेतन गतिविधि आपकी उपस्थिति और अवतार की भावना को बढ़ा सकती है। मौन अंतरिक्ष ध्यान। मार्गदर्शन के बीच मौन के क्षणों को अपनाएं। इस समय का उपयोग आत्मखोज और आत्मनिरीक्षण के लिए करें। अपने मन को स्वतंत्र रूप से घूमने दें या शांति में आराम करने दें। कभी कभी सबसे गहन अंतर्दृष्टि शब्दों के बीच के शांत स्थानों में उभरती है। आसान मुद्रा। अपने पैरों को क्रॉस करके चटाई पर आराम से बैठकर शुरुआत करें। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर या नीचे की ओर हों। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें, सकारात्मक ऊर्जा लें और किसी भी तनाव को बाहर निकालें। कमल मुद्रा। यदि आप सहज हैं तो अपने पैरों को विपरीत जांघों पर रखकर कमल मुद्रा में आ जाएं। अपनी रीढ़ सीधी रखें, कंधे शिथिल रखें और गहरी सांस लें। शांति को अपनाएं, अपने मन को स्थिर होने दें। पर्वत मुद्रा। अपने पैरों को कूल्हे चौड़ाई से अलग करके सीधे खड़े रहें। अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर पहुंचाते हुए अपने आप को धरती में गाड़ लें। एक पहाड़ की ताकत और स्थिरता को महसूस करते हुए गहरी सांस लें। किसी भी तनाव या नकारात्मकता को दूर करते हुए सांस छोड़ें। जैसे ही हम इस ध्यान के अंत में पहुंचते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं, धीरे धीरे अपने आसपास जागरूकता लाते हैं और धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। शांति और सचेतनता की इस भावना को अपने शेष दिन में अपने साथ रखें। इस ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप शांत मन और खुले दिल से आगे बढ़े।